कक्षा छः हमारा आज का शिक्षण बिंदु है भोजन कहाँ से आता है। कार्य और गति करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। कार्य और गति कार्य खुदाई इत्यादि कार्य और गति गति ऊर्जा ऊर्जा आहार यह आहार या भोजन खाने योग्य बनाने में जो खाद्य पदार्थ या सामग्री उपयोग में लाई जाती है वह भोजन के संघटक कहलाते हैं। खाद्य पदार्थ संघटक भाग जैसे फल मांस सब्जी इत्यादि अंडे यह सब भोजन के संघटक हैं। जिन चीजों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं वही खाद्य पदार्थों के स्रोत कहलाते हैं। स्रोत कहलाते हैं। हम अपना भोजन दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला है पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या क्या है। गेहूं दाल चावल तेल और सब्जियां यह सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ
जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? अंडा, दूध, मांस, मछली इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग कौन कौन से हैं जिन्हें हम खाते हैं? पौधों के भाग फल शाक अंकुरित अनाज जैसे अंकुरित चना, मूंग इत्यादि। अब भोजन के रूप में जंतु उत्पाद शहद दूध यह भी एक जंतु उत्पाद है। अंडा मांस मांस और मछली।